अहमद भाई से मिलो, एमएलए के साथ ज्वाइंट सर्वे करने की जरूरत नहीं है आपकी, उतना लेवल नहीं आया अभी। अभी इंशाल्लाह जिस दिन लेवल आएगा आपका ज्वाइंट सर्वे करने का, हमारे सायना के साथ, सायना साहब के साथ जब फिरनेगा, जब आपका लेवल आएगा, जब आपसे बात करेंगे। होते बोल रहे हैं तोते महीने की कहानी कहाँ बोनपल्ली में चल रही है, हमारे मालूम है आप जितने आपका लेवल है वो लेवल से बात करो आप। सर वो एमएलए साहब से मैं ज्वाइंट सर्वे करता हूँ, मैं उससे सर्वे करता हूँ। बाबा ये बाबा की बात तुम्हारे पास रख लो, बात ये बहुत बाबाओं को देखे हम, बाबा कबूतर सब देख लिए, कुछ भी करे तो टाइगर की बात करो, मर्दानी बात करो। ये वो बात ना बोल के मीडिया में नाम बोल के तुम्हारा नाम ऊपर ला लेने के नको। हम वक करके आओ, चूजों को लेके आओ, पेटों को करके आओ, पेट नीड़ा करो, तो कई क्यों बात भाई। आपको इतनी मोहब्बत है, इतना आप दिल में अगर कुछ है तो फेस टू फेस मिलो, आपको गली गली सर्वे कराएंगे। आप भी नहीं करे होंगे कभी, उसे सर्वे कराएंगे हम। पापा का कुछ छोड़ दो, अनिता पापा का कुछ छोड़ दो, एमएलए सायना को छोड़ दो, हम खुद मिल के डायरेक्ट आपको कराएंगे। आप चूजे बोलना, वो बोलना, वो मुनासिब नहीं दिखती बात, अच्छी बात नहीं रहती। एमएलए साहब से फिर माफी मांगना, एमएलए साहब आप काबिल मन है भाई, आप काबिल मन बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने काबिल मन नहीं, उन्होंने लेजेंड है। ओपन चैलेंज आप बोल रहे ना भाई, ओपन आ जाओ बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आ जाओ, एनी टाइम आ जाओ, एनी वेयर आ जाओ, हम आधी रात को चैलेंज कबूल करने को तैयार है। पेड मीडिया बोल दो, पेड करके लेके आए बोल के बोल रहे हैं, फिर बस्ती को यानी कंटोनमेंट को मालूम है कौन पेट में है ऑलरेडी, आपको कहाँ से आ रहा, कहाँ से आपको हो रहा, पेट आपको कहाँ से हो रहा, पूरी बस्ती को मालूम है, आप बोलने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं कंटोनमेंट सीनियर लीडर मोहम्मद अख्तर, मेरा बयान से मैं ही पाबंद हूँ। एमएलए कंटोनमेंट से आया ना टाइगर है, यकीनन टाइगर है, और किसी की तारीफ किसी की सर्टिफिकेट की उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने 30 साल एमएलए है, हकीकत में कंट्रोमेंट का लेजेंड एमएलए है, यकीनन टाइगर है उन्होंने, टाइगर को हम टाइगर बोलेंगे। किसी के मुंह से तारीफ सुन के उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। एक वार्ड से लेके 8 वार्ड तक मालूम है कंट्रोमेंट चाहिए ना बोल तो टाइगर का खिताब है। अब लिहाजा रहा आप परवा करना की बात बोल रहे हैं, 2008 में उन्होंने कॉपरेटर थे बोल नहीं थे, 2014-21 तक नहीं थे बोल रहे आप। आपका तजुर्बा गलत है, आपका होमवर्क गलत है। प्रभाकर अन्ना हमारा 2006 में बोर्ड मेंबर है, 2008 में उन्होंने एक्स हुआ, हार गया, हारे बाद से फिर अवाम उनको चुन के 2014 में फिर अनिता प्रभाकर मैडम को लेके आए। प्रभाकर अन्ना में अगर काबिलियत नहीं रहती थी तो फिर उनके इनके वाइफ को फिर से पब्लिक वोट नहीं डालती थी। अब रही बात आप डेवलपमेंट की बात बोल रहे हैं, आप लेके जाके आप घर घर फिर के भाई उनको तकलीफ है, इनको तकलीफ है, आप जाके कहीं को पूछ रहे भाई। लोग यहाँ बोल रहे हैं भाई हम बयान देने को नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने आके खुशुदन हमा को खिलाफ बोलो बोल रहे हैं, हम नहीं बोलना चाह रहे, तो भी बोलने लगा रहे भाई। आपको जो भी डेवलपमेंट की बात है, आप मुद्दे की बात बोल रहे हैं, आप छिल्ले के पास आ जाओ, होटल के पास, एनी टाइम एनी वेयर कभी भी आ जाओ। मेरा नंबर है, अहमद भाई का नंबर है, मुन्नू का नंबर है, कभी भी आ जाओ, ओपन चैलेंज, क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ बता लेंगे हम। लिहाजा रहा छोड़ो, आप एमएलए से क्या ज्वाइंट सर्वे कराते हैं, आप छोटे एक दफेदार से भी नहीं करा सकते सर्वे। आप एमएलए के पास धको जाओ, एमएलए के पास 8 कॉपरेटर है, 8 कॉपरेटर के आदमी को आके आप ज्वाइंट सर्वे कराते बोल रहे हैं। आप सर्वे गिरवे की जरूरत नहीं है साहब, हम ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल है 24 घंटे, आप आ जाओ कभी भी आ जाओ। यहाँ से जितने भी लाइट दिख रहे वो परवा कराना की मेहरबानी है, ये बोरवेल है बैक साइड में है दरगाह के पास, ये एमएलए टाइगर की बदलवाते हैं हमारे सायाना साहब की, और एक इमाम साहब के घर के सामने बोरवेल है एमएलए सायाना साहब डाले, ईदगाह के सामने बोरवेल है एमएलए सायाना साहब डाले, ऊपर खुदानूर भाई के घर के सामने बोरवेल है एमएलए सायाना साहब डाले, मुतेला टेम्पल का मंदिर का गवर्नमेंट बैक साइड एमएलए सायाना साहब डाले, महाकाली टेम्पल सायाना साहब डाले, चर्च गली एमएलए सायाना साहब डाले। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ काम बाकी नहीं है, अल्लाह के करम से एमएलए साहब पे तोहमत नहीं लगा सकते। लिहाजा आपको इलेक्शन लड़ने का जस्तुजू है, पब्लिक में दिल बनाओ, पब्लिक का दिल जीतो, आप इलेक्शन जीतो। आप गैर जरूरी नीचे के एरिए में ज्यादा कर दिए, ऊपर के एरिए में ज्यादा कर दिए, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश नको करो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जब से प्रभाकरण ना आया जो डेवलपमेंट हुआ अल्लाह को मालूम है, पब्लिक को मालूम है, और किसी को अन्ना किसी को बड़ी बात नहीं बोलता, ना किसी का कंस्ट्रक्शन रुकाता, ना किसी को तकलीफ देता, हमारा कॉपरेटर वैसा नहीं है। लिहाजा हमारे एमएलए साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये फंक्शन हॉल का ओके कर दिए, विद इन 1-2 वीक्स में इंशाल्लाह ओपी फाउंडेशन रखने वाले हम, वो भी काम होगा। और जो नीचे बस्ती का जो शादी खाने का बोल रहे
अब चार स्लैब डाले, चार प्लेयर डाल के स्लैब डाले, बोले हम डाले भाई चार स्लैब डाल के चार प्लेयर डाले। आपके एमपी साहब आए, आपके एमपी साहब आए तो आप कितने प्लेयर डाले, कितने स्लैब डाले, अब बोलो मुद्दे की बात बोलो। हम ये डाले मस्जिद बैक साइड, जामिया मस्जिद कारखाना मस्जिद बैक साइड में मेन वॉल का पूरा डेनिस लाइन चेंज करे, मस्जिद बैक साइड कारखाना 204 घर का नंबर, वहाँ से दरगाह लाइन तक पाइप वो डेनिस का लाइन चेंज करे, खुदानूर भाई के घर से रशीद खान के घर तक नई रोड डाले, गवर्नमेंट स्कूल बैक साइड में फिर एक नई रोड डाले। अब रोड फंड आ गया, कॉन्ट्रैक्टर उसको क्या है, इनको क्या है, वो बात नको, जो बात है ओपन चैलेंज। आप बोल रहे ना भाई ओपन आ जाओ बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आ जाओ, एनी टाइम आ जाओ, एनी वेयर आ जाओ, हम आधी रात को चैलेंज कबूल करने को तैयार है, एनी टाइम वेलकम, आ सकते हैं आप। अब आ गया लिहाजा, अब मैं एविडेंस पे आ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। पहले आप एक बात तय कर लो, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या नहीं, किसी के राइवर में आके उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या आप कांग्रेस से जाना चाह रहे हैं या नहीं तो बीजेपी से जाना चाह रहे, आप किससे जाना चाह रहे, आप आ जाओ। या नहीं तो कांग्रेस बीजेपी मिल के हमारे कॉपरेटर साहब प्रभाकर से आपसे लड़ना चाह रहे, वो एक बात। नहीं आपका इरादा कुछ और है, हिंदू मुसलमान में कुछ फसाद करना चाह रहे क्या, नीचे का एरिया अलग बोल रहे, ऊपर का एरिया अलग बोल रहे, और ये तोते मैं नहीं बोलते, हम टाइगर है, टाइगर के हाथ के नीचे रहते, कंट्रोलमेंट का बादशाह है, लेजेंड है साई अन्ना, साई अन्ना जब तक रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, हमारी दिलो जान हमारी जिंदगी साई अन्ना है, हमारी जिंदगी भर हम साई अन्ना को साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन नहीं, अल्लाह चाहे तो एमएलए पब्लिक के दरमियान में रहने वाला आदमी है, अल्लाह चाहे तो फिर 2023 में फिर कामयाब होगा, अल्लाह चाहे तो मिनिस्टर फिर से बनेगा, हम सीएम साहब के जाके पैर पड़ेंगे, सीएम साहब के पैर पड़ के ऐसा एमएलए हमारे कंट्रोलमेंट को फिर कभी नहीं आएंगे बोल के इंशाल्लाह ताला रिक्वेस्ट करेंगे, पब्लिक को लग जाएंगे और ये माइनॉरिटीज को लेकर जाके सीएम केसीआर साहब से मिनिस्ट्री दिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा एमएलए साहब से दिलों से मोहब्बत है। और आप बोल रहे हैं लेडीज को बोल रहे हैं हम आपको पैसे देके बुला लिए, उन्हें पैसे देके बयान दे रहे, भाई हम पैसे किसी को नहीं देते, ना हमारा कॉपरेटर देता ना हमारा एमएलए देता, ये दिली जज्बात है, पब्लिक को दिली जज्बात आना पड़ता इलेक्शन लड़ने के लिए और दिल जीतने के लिए। अब तुम आके लोगों को तेज करके यहाँ काम नहीं हुआ वहाँ काम नहीं हुआ वहाँ बॉटल्स कहीं क्यों डाले, देखो भाई ये महिला है, चार अच्छे रहते तो चार बुरे रहते, वो चार बुरे भी हमारे रहते, अब वो बॉटल्स के लिए हम किसी के ऊपर कंप्लेंट करेंगे, अब उनको पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, हमारे को छुड़ाना पड़ेगा, हमका को कुछ शिकायत हो तो आप हमारे को बोलो, हम वो उठाने लगेंगे, कंट्रोलमेंट के स्टाफ को बोलेंगे वो साफ करेंगे। आप जाके गली गली में थोड़ा थोड़ा कचरा रहेगा तो उसका वीडियो निकाल के बता रहे हैं, अरे वहाँ ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा दो ढक्कन टूटे तो उसका वीडियो निकाल के बता दे रहे हैं, ये काम नहीं हुआ बोल के। आप मेरे साथ आप चलो, मैं अब क्या क्या करें परवा करना ना बताता हूँ, एमएलए साहब कितने बोरवेल डाले मैं बताता हूँ, और यकीनन अब ये बात से वापस हो जाओ, जॉइंट कलेक्टर वो एमएलए साहब से मैं जॉइंट सर्वे करता हूँ, मैं उससे सर्वे करता हूँ, बाबा ये बाबा की बात तुम्हारे पास रख लो, बाता ये बहुत बाबाओं को देखे हम, बाबा कबूतरा तबो गिवे सब देख लिए, कुछ भी करे तो टाइगर की बात करो, मर्दानी बात करो, ये वो बात ना बोल के मीडिया में नाम बोल के तुम्हारा नाम ऊपर ला लेने के नको, हम आज तक हम वो कोशिश नहीं करे, हम पब्लिक का काम करने वाले हैं, पब्लिक का काम करेंगे, आपको काम करना है आप कर लो भाई, आप आके हमारे करने कहीं को लग रहे हैं, आपको डेवलपमेंट करना है तो आप करो, आपके एमपी साहब है आपके एमपी से पढ़ लाओ, पढ़ ला के आप भी कराओ, आप कुछ करके बोलो भाई मैं ये करा बोल के आप बताओ, आपके एमपी साहब आके 3 साल हुआ ना भाई, आपके एमपी साहब से क्या हुआ, कारखाने में 1 रुपये का फंड लगा क्या, एक ईंट लगी क्या, एक बात तो बोलो कुछ लगा क्या, हमारे एमएलए साहब तो भी जितने भी बोरवेल से कारखाने में पूरे बोरवेल सुनो डाले, तकरीबन 30-40 चेक्स कारखाने के माइनॉरिटीज एरिया में एमएलए साहब दिए 1-1 लाख रुपए, आप कभी भी जाके सर्वे कर ले सकते, और घरे घर आके एमएलए साहब चेक दिए, और विद एविडेंस के साथ बता सकता हूँ मैं, एमएलए साहब किसी किसी को चेक दिए, और एलओसी लेटर सीएम रिलीफ फंड आज रात को एमएलए साहब को फोन करे तो काम हो जाता हमारा, हॉस्पिटल के लेटर हर चीज, ऐसा एमएलए ऐसा कॉपरेटर फिर नहीं आता, इंशाल्लाह आप में ताकत है, आप इलेक्शन लड़ लो जीत लो, आप करो भाई, हमने कर सके तो आप डेवलपमेंट करो, लिहाजा क्या है एमएलए साहब से फिर माफी मांगना, एमएलए साहब आप काबिले मन है भाई, आप काबिल मन बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने काबिल मन नहीं, उन्होंने लेजेंड है, कंट्रोलमेंट का लेजेंड है, उन्होंने
पांच बार एमएलए है, उन्होंने टीटीपी से जीता, टीआरएस से जीता, आपसे हम सफाई नहीं पूछे। उन्होंने एमएलए हमारा, हमारा जिलो जान है, हम बात पे खाया में, उन्होंने हमारा टाइगर है, हमारा शेर है, हमारा टाइगर है, हम बात पे खाया में। और मुद्दे की बात बोल रहे हैं, मुद्दे पे ही बोल रहे हैं, वो तोते कबूतर हैं, बातें वापस ले लेना, टाइगर की बात करो, टाइगर के हाथ के नीचे रहने वाले हैं हम, टाइगर की बात करते, वो पुकारना गिकारना हम बैठते नहीं, हम कारखाने में दिखते नहीं, काम से काम की बात कर लेते रहते, हम जाके उनको जाके वो करके, उनको जाके ये करके, वैसा नहीं, काम की बात बोले, काम की बात करो। अब आप जो डेवलपमेंट पूछे, हम इंशाल्लाह ताला यही एमआर न्यूज़ वालों को, माजिद भाई को हम आप डेवलपमेंट बताएंगे, आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज, जय सायाना, जय प्रभाकर अन्ना। सलाम अलैकुम हजरत, कल की एक न्यूज़ देखे, देखने के बाद जो है बहुत अफसोस हो रहा, नवाब साहब रहने के लिए छत दिया, सबको दिया, मेरे अकेले को नहीं दिया, सबको दिया साहब, सबसे छतों के नीचे, पर पानी नहीं दिए थे, पानी के लिए पापा का ना करे। अब उनकी बीवी को नहीं मानते बोल के, वो बोर्ड मेंबर है, पापा घर को नहीं मानते बोल, तो ये आपकी मर्जी, हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी में है। आप बोल रहे चूजे गीजे देख के करके ये बोल रहे, बोर्ड मेंबर का गाना गा रहे, गाना की ना कोई भी नहीं गा रहे भैया, जो काम करा हकीकत ईमानदारी की बात पूरे दिल से खुले दिल से बता रहे कि ये काम करा, नवाब साहब छत दिया, पापा का रहना पानी दिया, एमएलए से आया ना पूरा हेल्प करा माइनॉरिटी को। आप बोल रहे कि होमवर्क करके आओ, होमवर्क करके 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 वेस्ट होने के बाद पैदल हम निकले, तो ये काम हमारे को हुआ, उससे परे नहीं हुआ, को पूरे जितने भी आए देख लेके गए, आज हो जाता, कल हो जाता, परसों हो जाता, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी तकलीफ हमारे को मालूम थी, हम कहाँ से पानी लाए, किधर से पानी लाए, क्या क्या कर रहे, करने के बाद जब सुकून मिला, अब उसके बारे में होमवर्क करके आओ, चूजों को लेके आओ, पेटों को करके आओ, पेट नीड़ा करो, तो कई क्यों बात भाई, आपको इतनी मोहब्बत है, इतना पास दिल में अगर कुछ है तो फेस टू फेस मिलो, आपको गली गली सर्वे करेंगे, आप भी नहीं करे होंगे कभी, उसे सर्वे करेंगे हम, पापा का कुछ छोड़ दो, अनिता पापा का कुछ छोड़ दो, एमएलए सायना कुछ छोड़ दो, हम खुद मिल के डायरेक्ट आपको करेंगे। आप चूजे बोलना, वो बोलना, वो मुनासिब नहीं दिखती बात, अच्छी बात नहीं रहती। हाँ बोलो आप, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कैसा बोले बोल के पूछो, उसका जवाब देंगे आपको। आप चूजे गीजे अनिता पापा को, आप बोले इतने सालों में फलाने लाए, फलाने लाए टाइम पे आप क्या करें, फिर आप जब ही डाल रहे था पानी, पंचायती नहीं रहती थी वो टाइम पे, जब आपको इतना सब मालूम था कौन कौन लाए, वो तो आप लाले तो पंचायती नहीं होती थी क्या, आप उतना सोच के ही बात नहीं कर रहे, आप हमारे कुछ बोल दे रहे उल्टा, वो क्या कहे ठीक है, आप सोशल वर्कर बोले, सोशल वर्कर का मतलब क्या है, पब्लिक दिल से चाहा ना कि फलाना आदमी, हाँ भैया सोशल वर्कर है, हमारा काम फ्री में करता है बोल के, आप बोल के बता दे रहे, हम कभी नहीं बोले सोशल वर्कर बोल के, दिल से काम करे बस, सीखू दिल से डेवलपमेंट के लिए काम करे, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं चाहते। आप उसके बाद फिर बोले आप क्या बोल के 3,000 रुपये, 4,500 रुपये, 5,000 रुपये लिए बोले, वो बात गलत है। आप होना तो कंटोनमेंट बोर्ड में जाके पूछ लो एक बार, झोपड़ी के घर के लिए 3,000 रुपये, डबल है अगर फर्स्ट सेकेंड है तो उसको 8,500 रुपये, सिंगल है तो 4,000 रुपये, वो लेके 2014 में देके पूरे लोगों की सीट बनाने के बाद 2015 या 16 में लोगों को कनेक्शन के लिए, जब पाइप खोदने के लिए होना तो अन्ना से बात करा के बोले भाई खोदने के लिए आदमी होता है, एक आदमी को अपॉइंट करके फीट के हिसाब से भाई कितने होते, इतने पैसे होते भाई, इनको देना काम दे देना, वैसा काम करा है। आप बोल रहे हैं इतने पैसे ले लिए, उतने पैसे ले लिए, इतने पैसे, ओ गलत बात है भाई, खुदा के वास्ते ऐसे बात मत करो, अच्छी बात नहीं रहती, खाली पीली हिंदू मुस्लिम में कहीं को फर्जत कर रहे हैं आप, अब माइनॉरिटी को कैंसिल कर रहे हैं। जयवीर भाई आप पहले अपने कारखाने का डेवलपमेंट कर लो, फिर बाद में जाके दूसरी बस्ती में बोलो कि डेवलप नहीं हुआ मैं करता हूँ, बोलो तो हम तुम्हारे को जब बोलेंगे हाँ भाई आखिर में हमारा आदमी है बोला था करा बोल के बोलेंगे, वो हमारी बस्ती का डेवलपमेंट नहीं जाके दूसरी बस्ती में जाके डेवलपमेंट करता हूँ बोलते कौन मानते हैं, बस्ती के लोगों को पूछो, आप बस्ती के लोगों को बोल रहे पेट के लिए वोट के लिए बोल के, भाई कोई किसी के पेट के लिए नहीं करता, मोहब्बत दिल में अगर है तो बिना बोले अल्लाह को राजी करना है तो सोशल वर्क करना, अल्लाह को राजी करना नहीं है नाम कमाना पैसा कमाना मतलब सोशल वर्कर बेकार है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ आज भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है पीछे सामने, मैं अकेला निकला, निकल के सोशल वर्क करके गली गली फिर के पानी के वास्ते 3 बजे रात को जाके टैंकी हमें चेक करे, हम लोग मुन्नू भाई थे सब थे तकरीबन लोग थे, जाके 3-3 बजे छोड़ने के बाद जब हम लोग को पानी मिला भाई आप राहत मिली, सीसी और मिली अब मिली, नवाब साहब आज भी बोल रहा हूँ मैं वो बात, पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, नवाब साहब छत दिया था पापा कर पानी दिया, आप क्या दिए भाई, आप इतने लोगों में उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के में बैठना है आपका, बोले आप फलाने 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 बोल के, आप वो जब उतना मालूम रख के पाइपलाइन कहीं को ना ला लिए मेरे भाई, ला लिए तो बहुत खुशी की बात थी, आपको जय जय बोलते थे आप, अगर आपको कोई पूछे तो
सोशल वर्कर बोल तो दिल से बोलना आदमी, हाँ भाई फलाना आदमी सोशल वर्कर है, वाकई में काम करता, मैं नाम के लिए नहीं करा, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए करा, मैं किसी के ऊपर डिमांड नहीं करा, ये काम करा दिया तुम्हारा, मैं बोके नहीं बोला, मगर आप जो है बोल दिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, जजा करना आपको। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, ये परसों जो जमील भाई स्टेटमेंट दिए थे, यानी बोल तो तीन मुद्दों पे, एक पेड मीडिया, यानी बोल तो, और अभी जो बोले डेवलपमेंट, जो क्या डेवलपमेंट हुए कारखाने में, और जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो तोते होते बोले, उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। एक पहला मुद्दा, आप पेड मीडिया बोल तो पेड करके लेके आए, बोल के बोल रहे हैं, फिर बस्ती को यानी कंटोनमेंट को मालूम है कौन पेड में है, ऑलरेडी आपको कहाँ से आ रहा, कहाँ से आपको हो रहा, पेड आपको कहाँ से हो रहा, पूरी बस्ती को मालूम है, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। और डेवलपमेंट का आप बोल रहे हैं ये करेंगे बोल के बोल रहे हैं, जॉइंट सर्वे करेंगे, भाई आप जॉइंट सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, आप है सो कभी भी एनी टाइम अहमद भाई है, अख्तर है, आप उनसे जाके बात करो, उन लोग का फ़ोन नंबर लियो, उनके फ़ोन से कांटेक्ट करो, प्रभाकर राणा हमारे एमएलए साहब, हमारे बी एन ए प्रभाकर बोर्ड मेंबर, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, आप इनसे देखो डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ, कारखाने में कितना डेवलपमेंट हुआ। 2008 जो आप बोल रहे हैं, आप जब 2008 आप बाहर थे, आप दुबई में थे, आप आपका जब है सो दुबई में थे, जब पानी माफिया कितना था, वाटर टैंकर को कैसा फिरना पड़ता था धुपकाले में, हर ड्रम को 10 रुपये, एक ड्रम को 10 रुपये देना पड़ता था, फिर वो लाइन में खड़ के आजीजी अय्या पकड़ के गाड़ी लेके आना। 2008 के बाद जैसा प्रभाकर इलेक्शन जीते, यानी बी अनुजय प्रभाकर जैसा इलेक्शन जीते, जिस साथ में जो कार काम हुआ, पानी का जो माफिया बंद हुआ, ये जो पानी के माफिया जो थे पहले एक्सपोर्ट मेंबर के आदमी पूरे उल्लास पूरे पानी के माफिया थे, हर टैंकर बेचना, टैंकर जब थी 375 रुपये में, 1000 रुपये में टैंकर बिकती थी, जब लोग देखे लेके आते थे 1000-1000 रुपये टैंकर देखे लेके आते थे, 10-10 रुपये ड्रम को देते थे, अब वो सब बंद हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक घर के बाहर ड्रम नहीं दिखता आपको, घर घर को नल दिए, स्ट्रीट लाइट्स के काम हुए, गटर पाइपलाइन के काम हुए, सीसी रोड गिरी, बीटी रोड गिरी, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हुए। आप है सो ये नाहक के पब्लिक में इंटेंशन फैला रहे हैं, कुछ नहीं हुआ काम, कुछ नहीं हुआ। आप आओ अहमद भाई से मिलो, अख्तर से मिलो, आप सर्वे करो, एमएलए तो दूर की बात है, हमारे प्रभाकर नाथ दूर की बात है, आप जितने आपका लेवल है वो लेवल से बात करो। आप है तो सायना के साथ जॉइंट सर्वे करते बोल रहे, अरे भाई 3 साल होगा रविंद्र रेड्डी जीत के एमपी, क्या फंड लाए बताओ, यहाँ कारखाने का से आप माइनॉरिटी का से क्या फंड लाए, क्या करें आप, आप भाई तो क्या करें, मैं हमारे एम पी साहब माइनॉरिटी के से बोलो, प्रभाकर राणा जैसा बी एन नगर प्रभाकर जैसा जीती इलेक्शन, बोर्ड मेंबर बने बाद उन्होंने है सो स्टेट गवर्नमेंट से फाइट करके 35 करोड़ रुपये इधर कंटोनमेंट बोर्ड को लाए, वो फंड से कामा चालू है। जैसा महेश्वर रेड्डी साहब है सो वीपी बने, जब से कामा चालू है, और ये रामाकृष्णा जब वीपी था कामा रुके हुए थे, पूरा बजट नहीं था कंटोनमेंट बोर्ड में, आप मालूम करो, आप जो बोल रहे ना पूरा प्रिपरेशन करके आओ बोल के, आप प्रिपरेशन करके आओ, रामाकृष्णा जब था, जब क्या था कंटोनमेंट बोर्ड में, कुछ भी कामा नहीं थे वो, जब हमारे महेश्वर रेड्डी साहब वीपी बने, जब से कितने काम हुए कारखाने में, कितने काम हुए, कितने डेविस पेम लाने गिरे, हमारे महेश्वर रेड्डी साहब कितना काम कराए देखो, अनिता प्रभाकर जो उसको गाइडेंस करके जो फाइट करके जो लेके आए पैसे, वो देखो काम तुम, अब सिर्फ तुम बोलते जा रहे हैं। 2008 में नवाब साहब का था, भाई बेशक नवाब साहब है जो बस्ती को डेवलप करे, बेशक उसके बाद का बोलो आप 2008 में दुबई में थे, क्या काम करे बोलो 2008 में, क्या डेवलपमेंट हुआ प्रताप के टाइम पे, अब मैं आप देखो जब पानी का कितना परेशानी थी, स्ट्रीट लाइट कितनी परेशानी थी, सब कितने परेशानी थे, अब हल्का 90% पानी का काम खत्म होगा। अब रहा पानी जो पहले आप जो बोल रहे हैं पानी का लेवल का, पहले पानी कहाँ से आता था, बालामराई पंपों से पंप होता था, उसके बाद वहाँ से पंप हो रहा था, अब भेजो अपन को इधर महेंद्र से पंप हो रहा पानी, कितने लाख गैलन पानी आता, आप आओ, आप आके पूरा आप पेन पेपर लेके कभी भी एनी टाइम आप कारखाने के चौरस्ते पे अख्तर को फ़ोन कर लो, अहमद भाई को फ़ोन कर लो,
या तो मेरे को फोन करो, मेरे को जरूरत नहीं है, आप दोस्त को फोन कर लो आप, उसके बाद आप ज्वाइंट सर्वे कर लो कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ये और ये सब ये बेकार बातें करना छोड़ दो आप। जो पेड़ है वो है और जो तोते होते बोल रहे हैं, तोते मैंने की कहानी कहाँ बोनपल्ली में चल रही है हमारे मालूम है, लेकिन हम नहीं बोलना चाह रहे आपको। और सायना का जो बोल रहे आप, ये बोरवेल है, कितने बोरवेल कारखाने में सायना के गिरे जो बोरवेल, आपको आपको गिना दो आपको। वह अभी ये काम जो बोले आप कमेटी वाल का, कमेटी वाल का काम चालू हो रहा, ये कमेटी वाल का काम चालू हो रहा, पीछे का काम आप देखो जाके आप क्या काम नहीं हो रहा। और क्या होना, शादी मुबारक, घर घर को कोसा एमएलए लेके दिया पैसे, वाहद इक्की एक एमएलए जो सायना है, वाहद इक्की एक एमएलए, वो एमएलए डोर टू डोर आके शादी मुबारक चिका देंगे क्या? आप वैसे एमएलए को आप ऐसे पहले स्टेटमेंट दे दिए भाई उन्हें क्या करे क्या नहीं करे, फिर दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हम ताहे दिल से हम उनको मानते हैं उनको। अरे साहब आप एक काम करो, ये सब मत करो, ज्वाइंट सर्वे वॉइंट सर्वे आप जाके रविंद्र रेड्डी को पूछो, रविंद्र रेड्डी क्या डेवलपमेंट करा तीन साल में, क्या करा तीन साल में, एक हाई मैच लाइट जो बोल रहे आप छोटा सा काम, एक छोटा सा बस्ती में दलाया के पूछो, तीन साल में एक रविंद्र रेड्डी एक रोड बीटी रोड एक सीसी रोड एक काम पे वार्ड नंबर 3 में रेवंत रेड्डी के उससे फंड से गिरी बताओ। आप जो रेबरी कर रहे हैं ना आप रेवंत रेड्डी को कभी जाओ आप पूछो साहब आप तीन साल हो गए जीत के आके, तीन साल में क्या डेवलपमेंट करे आप? आप ऐसे ये हमारे एमएलए साहब को, हमारे प्रभाकर साहब को, हमारे बी अनित प्रभाकर को नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। हम रेवंत रेड्डी रह के भी एमपी कुछ फायदा नहीं है, हमारे से राजशेखर रेड्डी साहब एमपी के बराबर है, दुनिया का काम राजशेखर रेड्डी साहब कर रहे हैं, हमारे महेश्वर रेड्डी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रभाकर राणा एनी टाइम फिरते, उन्हें वाइफ है सो बोर्ड मेंबर, वाइफ के बिहाफ में उन्हें फिरते हैं, हम नहीं बोले उनको बोर्ड मेंबर, उनको बस खिताब मिल गया उनको, हम नहीं बोल रहे उनको बोर्ड मेंबर, उनको पब्लिक बोलती बोर्ड मेंबर, समझे ना, बोर्ड मेंबर बोल के हम नहीं बोल रहे। उनकी वाइफ जीती उनके बिहाफ में, उनका बेटा भी काम कर सकता, अगर आपकी वाइफ जीती तो आप भी काम कर सकते थे ना भाई, अब उनके वाइफ जीती वाइफ के बिहाफ में काम कर रहे, अब उसको ऐसा ऐसा इशू बना रहे, इन्हों बोर्ड मेंबर बोल रहे, इन्हों बोर्ड मेंबर बोल रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम आए जमील भाई आप आओ, आप आके अख्तर से और हमारे अहमद भाई से मिलो, एमएलए एमएलए के साथ जॉइंट सर्वे करने की जरूरत नहीं है, आपके उतना लेवल नहीं आया अभी, अभी इंशाल्लाह जिस दिन लेवल आएगा आपका जॉइंट सर्वे करने का, हमारे सायना के साथ सायना साहब के साथ जब फिरने का, जब आपका लेवल आएगा, जब आपसे बात करेंगे, आप रविंद्र रेड्डी को जाके पूछ लीजिए, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़ अभी।